जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक शानदार नजारा है कुरला के कुरेश नगर से। यहां पर आप देख रहे हैं बंटर भवन के पास में, ये नाम के ही बादशाह नहीं है बल्कि दिल से भी बादशाह है। और आज इनका जन्मदिन बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पे समाज के सभी तबके के लोग, यहाँ पर जाने माने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे जो वरिष्ठ समाज सेवक हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, ज्योत्सना मैडम यहाँ पर आई हुई हैं बधाई देने के लिए। मैं ज्योत्सना मैडम से बोलूँगा, मैडम आप किस तरह से बादशाह भाई के जन्मदिन को हार्दिक शुभेच्छा देती हैं? पहली बात तो बादशाह भाई को उनके जन्मदिन के बहुत बहुत मुबारक। और पता नहीं पॉलिटिक्स से मुझे क्या मिला है, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा भाई मिला है और उन्होंने मुझे ABCD सिखाई है पॉलिटिक्स की। और एक अच्छा पॉलिटिक्स में भी एक अच्छा इंसान बनकर कैसे रहना है, अपने तत्व को छोड़कर, न छोड़ते हुए भी कैसे डटे रहना है, किसी से भी न डरते हुए कैसे पॉलिटिक्स करना है उन्होंने मुझे सिखाया है। और आज सच में मुझे बहुत अच्छा भाई मिला है और मैं दिल से उनको ये जन्मदिन की मुबारकबाद देती हूँ। मैडम आपने बहुत सही फरमाया कि ये जो बादशाह भाई हैं, इन्होंने यहाँ के तबके के ऊपर अपना राज किया हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ में असलम भाई पटेल जी उपस्थित हैं। असलम भाई, मैं जानना चाहूँगा कि बादशाह भाई के जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन मेरे भाई बादशाह भाई के लिए बहुत मुबारक दिन है। मैं मेरी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ बादशाह भाई को। अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे, खूब तरक्की करे अल्लाह ताला उनको, और इसी तरह समाज में, लोगों में, हम लोगों की सबकी खिदमत करते रहे, ये मेरी दुआ है बादशाह भाई के लिए। बादशाह भाई, आपने सुना कि यहाँ के समाज के तबके के जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ समाज सेवक हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने जन्मदिन को किस तरह से बोलते हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरी नज़र में एक छोटा इंसान भी मुझसे कहीं ऊपर है। मैं ऐसा लोगों को अपने से ऊपर देखना चाहता हूँ। मेरी सोच हमेशा रही और आगे भी रहेगी। और लोगों का ये प्यार है, जन्मदिन नहीं है, लोगों का प्यार है। लोग खुद बखुद इस तारीख जो 5 फरवरी है, इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और अब की NRC और CAA के मुद्दे की वजह से जो हमेशा मैं सेलिब्रेशन होता था, उसको कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि इस साल मैं उसको ना करूं, क्योंकि एक ऐसा मौका है जिसमें समाज के कई तबके के लोग आज धरने पर, प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो मैं उनके दिल को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं सोचा कि मैं अगर एक अपने जन्मदिन का त्याग कर दूं इसके लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मेरे जो चाहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन एक मौका है एक दोस्तों के लिए, आप कुछ मत कीजिए, हम अपनी तरफ से गेट टुगेदर रखते हैं, अपने जो आपके जो हमारे चाहने वाले जो शुभचिंतक लोग हैं, हम लोग सब एक जगह पर जमा होंगे और बधाई देंगे। कोई उसमें हुटिंग नहीं, कोई किसी तरीके के किसी की दिल आजारी नहीं होगी, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचे। ऐसा करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम उन्होंने अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया है और इस तरीके से ये आज नहीं, हमेशा लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें योगदान दिया है। अब ये अल्लाह जानता है मेरा कि मैंने कौन से ऐसे काम किए होंगे जो मुझे असलम पटेल जैसा दोस्त, भाई, ज्योत्सना मैडम जैसी समाज सेविका आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े। मुझे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। सेलिब्रेशन मायने नहीं रखता है, मेरे लिए दोस्ती पहले मायने रखती है। और यहाँ के हर इंसान, उनका प्यार, वो सब चीज़ें जो आज मुझे मिल रही हैं, मैं उनसे हमेशा अपेक्षा करूँ कि इसी तरीके से मुझे हर जगह, हर मौके पर वो प्यार के साथ मेरे साथ खड़े रहें। बस मैं यही एक तमन्ना लेकर के उनके साथ खड़ा रहूँ। जैसा कि आपने सुना कि बादशाह भाई ने फरमाया कि इनके जन्मदिन को बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है, लेकिन आज देश में करोड़ों भाई बहन जो है NRC और CAA को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे, आज जो है सरकार ने कुछ बैकफुट पे अपना कदम उठाया हुआ है। और बादशाह भाई के लिए केवल यही कहूंगा कि मजहब मजहब नहीं खेलूंगा, मजहब मजहब नहीं खेलूंगा, कायर हूं हिंदी उर्दू का कवि और हिंदी का शायर हूं। तो ये जो बादशाह भाई के ऊपर लागू होती है, मैं चाहता हूं कि बादशाह भाई आपको इसी तरह से समाज के सभी तबके का प्रदर्शन मिलता रहे, समर्थन मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, दुआएं मिलता रहे, हमेशा आप कामयाब हों। इसी के साथ में कैमरा पर्सन विनोद राजपूत के साथ ओम प्रकाश मिश्र, न्यूज फर्स्ट, मुंबई।